इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, बचाओ, 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 कोई है यहाँ पे, बचाओ, बचाओ मुझे, छोड़ो। फतेहपुर बेरी थाना। मैडम यहाँ मर्डर हुआ है। ठीक है, हम अभी आते हैं। सर, सर छतरपुर के जंगल के पास एक औरत की लाश मिली है। ये लोग इस शहर को सुधरने नहीं देंगे। गाड़ी निकालो। मिर्जा, इसकी फोटो खींचो और देखो अगर कोई पर्स या कोई आईडी है, और इसकी गर्दन पे जो निशान है इसकी फोटो अच्छे से लेना। जी मैम। इसके पास ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिसे पता चल सके कि ये है कौन। जितना टाइम हमको इसे पहचानने में लगेगा ना, उतना ही टाइम कल्प्रिट को लगेगा एविडेंस मिटा के भागने का। किसी भी हाल में हमको इस औरत को पहचानना है। कुछ भी करो, इसके कपड़े के टैग्स, इसके जेवर, मिसिंग रिपोर्ट चेक करो और इसकी फोटोग्राफ्स सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर में दो। सर ये हम अपने ही पुलिस स्टेशन से शुरू करते हैं। छतरपुर में टाइम वेस्ट मत करो। इसकी बॉडी को यहाँ से फेंका गया है। आपको कैसे पता सर? ये देखो, तुम्हें लाश खींचने को निशान दिख रहे हैं यहाँ पे, और ये बॉडी को देखो, ये नॉर्मल पोजीशन नहीं है, इसे कहीं और मारा गया है और लाके फेंक दिया गया है। मैडम किसी ने कुछ भी नहीं देखा, या फिर हो सकता है देखा हो लेकिन हमसे छिपा रहे हो। नहीं मिर्जा, वो टाइम गया जब लोग इन्फॉर्मेशन देने से डरते थे। आज तो मर्डर होते ही लोग अपना फोन निकाल के वीडियो शूट करना शुरू करते। इस लड़की की ना किस्मत खराब थी, क्योंकि जब इसका मर्डर हो रहा था तब पक्का इसके आसपास कोई था नहीं। तो अब क्या करें मैडम? मिर्जा, फोरेंसिक वालों ने लड़की का सामान भेज दिया है, अब जो क्लू मिलेगा यहीं से मिलेगा। चलो। ये झुमके, कपड़े, ये कॉमन चीजें हैं, इससे क्या पता चलेगा? ये पायल बहुत अनकॉमन है। मिर्जा इधर आ। जी मैम। मिर्जा इसे देखो। मिर्जा इस पायल की मेकिंग थोड़ी अलग सी है, और खासकर ये डिजाइन ऐसा लग रहा है कि किसी ज्वेलर का लोगो है या
खास डिजाइन देके बनवाई गई है। मैम आपको ये डिजाइन मोर जैसा नहीं लग रहा? इसकी फोटो खींच के मैंने ग्रुप में भेज दी है, तुम जरा इसके बारे में पता करो। यस मैम। ओके। मैम, पायल की डिटेल्स मिल गई। इस पायल को लखनऊ के मंगलमणि ज्वेलर्स ने बनाया और ये जो मोर का डिजाइन है ये भी उन्हीं का है। थैंक यू मिर्जा, तुमने मुझे बचा लिया। वेल डन। थैंक यू मैम। सर, वो पायल लखनऊ की है, बाकी सारी डिटेल्स आपको मैसेज कर दिया मैंने। इसका मतलब ये है कि वो औरत या तो लखनऊ की है या लखनऊ के आसपास की है। तैयारी करो लखनऊ चलने की, मैं वहां की पुलिस टीम से बात करता हूं। सर, यहां का मालिक कौन है? जी मैं नीलेश जैन। ये पायल की पहचान आपके यहां की है? जी हाँ सर, ये हमारी ही पायल है। इनफैक्ट ये पायल पिछले 6 महीने में ही बनवाई गई है। ये आपको कैसे मालूम? सर पिछले 6 महीने में हमने लोगों में कुछ चेंजेस किए हैं। ये जो आप मोर देख रहे हैं, इनके कलर्स को थोड़ा ब्राइट किया है और थोड़े चेंजेस और भी किए हैं। इस पर हमारा नया वाला लोगो है। इसको ध्यान से देखिए। पिछले 6 महीने में इस औरत ने कभी आपसे पायल खरीदी थी? सर ऐसे पहचान पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं आपको यहाँ की सीसीटीवी फुटेज दे सकता हूँ। हम लोग यहाँ पे सिक्योरिटी थोड़ी अच्छी मेंटेन रखते हैं। 6 महीने की फुटेज देखने में कम से कम हमें 1 महीना लग जाएगा। आपके यहाँ की सिक्योरिटी बहुत अच्छी है ना, तो अकाउंट्स भी बड़ी अच्छी तरह से मेंटेन करते होंगे आप। जी हाँ बिल्कुल सर। पिछले 6 महीने में आपने किसको ये पायल बेची है? इनवॉइस के साथ में डिटेल दे सकते हैं? मिल जाएंगे सर। सर आप मुझे शाम तक का टाइम दीजिए, मैं सारी डिटेल्स निकाल के आपको देता हूँ। शाम को आपको फोन करूंगा मैं। ओके। सर तुम ये रुको, इस ज्वेलर पे ध्यान रखना, किसी भी तरह की चालाकी नहीं करें इनवॉइस देने में, ठीक है? सर। उमा। सर। मैंने लोकल पुलिस स्टेशन में बात कर लिया है, इस पूरे एरिया को स्कैन करो। मुझे मालूम है कि लोग आसपास के ज्वेलर के पास ही जाते हैं ज्वेलरी लेने के लिए, ठीक है? मैं लखनऊ और आसपास पता करता हूँ कोई मिसिंग कंप्लेन है कि नहीं। सर इस फोटो को यहाँ के लोकल न्यूज पेपर में सर्कुलेट करवा दे। मैंने दे दी, कल के न्यूज और चैनल पे आ जाएगा। मैं सर ध्यान रखना। सर। मैडम उस
सुनार ने एक बीट फाइल के अपने जेब में रखा है। मैं उसे फॉलो कर रहा हूँ, मुझे दाल में काला लग रहा है। अपनी लाइव लोकेशन ऑन करो, मैं अभी पहुंचती हूँ। मैं भी शेयर करूँ। छुपा के उसे कुछ गिफ्ट दिए थे, उस खर्चे को एडजस्ट करने के लिए मुझे झूठा बिल बनाना पड़ा मैम। झूठा बिल? और तू शादीशुदा भी है? मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। सुनिए सुनिए, ये बात मेरी बीवी और मेरे ससुर को पता न चले, प्लीज प्लीज, वरना मैं कहीं का नहीं रहूंगा। मैं जिस दुकान पे बैठता हूँ वो दुकान भी उनकी है मैडम। तुम लोगों को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना होता है तो तुम लोग शादी करते ही क्यों हो? घूमो ना खुले सांड की तरह। मैम प्लीज, ये बात को यही दबा दो मैम, ये बात किसके आगे नहीं आनी चाहिए। और मैं सच कह रहा हूँ मैम, इस बिल का उस औरत से कुछ भी लेना देना नहीं है मैम, कुछ भी वास्ता नहीं है मैम। मेरी बात को समझो मैम, मेरी बात को समझो मैम। अब तो तू प्रार्थना कर कि हमें कोई क्लू मिल जाए, क्योंकि सबूत को मिटाने के जुर्म में तू तो अंदर गया। मिर्जा, इसकी गर्लफ्रेंड से पूछताछ करो और पता करो कि मर्डर के वक्त ये कहाँ था। चल। अक्सर कोई भी जुर्म होता तो थोड़ी देर के लिए ही है, लेकिन जब उसकी छानबीन शुरू होती है तब ऐसी ऐसी परतें सामने आती है, ऐसी ऐसी मानसिकता सामने आती है कि लगता है कहीं अच्छाई बची भी है या नहीं। नमस्कार, मैं गिरीश जैन। क्राइम अलर्ट के आज के इस नए एपिसोड में हम आपके सामने एक ऐसी मौत की कहानी लेकर आए हैं जो सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि एक रिश्ते को मारने से अच्छा एक इंसान को मारना समझा गया। आइए देखते हैं कैसे एक पायल ने सुलझाई एक मौत की गुत्थी। इस डिजाइन वाले पायल को बस इतने लोगों ने ही खरीदा है? हाँ जी मैम। थैंक यू। सारे बिल्स हो गए, कुछ पता नहीं चला। बस दो बिल्स बाकी हैं, एक उस नीलेश जैन की गर्लफ्रेंड का और दूसरी किसी मीता का। कुछ पता चला इन दोनों के बारे में? नीलेश की गर्लफ्रेंड ऑफिस से निकलकर मुझे कॉल करेगी, मैं उससे रात में मिलूंगा। और रही बात मीता की, तो उसका फोन बंद आ रहा है, जैसे ही मेरी उससे बात हो जाती है मैं उसे बुला लूंगा। अब ये दोनों लड़कियां ही पायल की पहेली को सुलझा सकती हैं। सर, मैंने पता किया, नीलेश की गर्लफ्रेंड से बात हुई मेरी, उसने कहा कि मर्डर की रात को वो उसी के साथ था। सही नीता है, जिस लड़की की डेथ हुई उसकी बहन। मैडम, मैम सुनाली मेरी मम्मी बहन थी सर, और ये पायल मैंने ही बनवाई थी उसके लिए पिछले महीने, और उसका बॉयफ्रेंड अजय फाइनली शादी के लिए मान गया था, और सोनाली को पायल बहुत पसंद था इसलिए मैंने उसे गिफ्ट किया था। सोनाली दिल्ली में रहती थी और उसका बॉयफ्रेंड क्या नाम है अजय, वो भी वहीं था? हाँ सर, दिल्ली एनसीआर में। एक बात बताओ, उन दोनों के आपसे रिश्ते कैसे थे? सर सोनाली तो बहुत खुश थी अजय के साथ, लेकिन हमारे घर वाले
इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थे, इसलिए सोनाली घर पर बिना बताए अजय के साथ लिव इन में रहना शुरू किया और घर वालों ने उसके साथ सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। उसका बस मेरे साथ कनेक्शन सर। नीता ने तो बोला था कि माँ को फोन करके शादी के बारे में बता दूं, माँ कहीं और नाराज हो गई तो। ट्राई करने में क्या जाता है। हेलो माँ, मैं सोनाली। माँ वो माँ मैं और अजय शादी करने जा रहे हैं। तू मुझे क्यों बता रही है? माँ बाप का दिल तोड़ के शादी कर रही है ना? जा, तू कभी खुश नहीं रहेगी। जा यहाँ से। क्या कहा मामी जी ने? बोले कि भगवान करे मैं मर जाऊं, माँ बाप का दिल दुखा कर कभी खुश नहीं रहूंगी, ये आशीर्वाद दिया उन्होंने। उमा सर, इनसे अजय और सोनाली की पूरी डिटेल्स लो, फोटोग्राफ्स, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर्स, और वापस दिल्ली चलने की तैयारी करो। सर लगा है। सर पड़ोसों से पूछताछ की है, 3 दिन से ना अजय दिखा है ना सोनाली। मीता ने बताया था कि दोनों शादी करने वाले हैं। अगर शादी करने वाले तो कोर्ट में अर्जी दी होगी, पता करो वहां से कोई क्लू मिलेगा। और मेरे से एक काम करो, ये दोनों के फोन रिकॉर्ड चेक करो, ठीक है? सर जी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब मैं ये ऑटोप्सी रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ, इसमें कॉज ऑफ डेथ किसी चौड़ी चीज से गला घोटने से हुई है। नहीं डॉक्टर साहब, मर्डर वेपन अभी तक नहीं मिला। जी जैसे कुछ पता चलेगा मैं आपको फोन करूँगा। आमिर सर। सर मैंने सोनाली और अजय दोनों के फोन रिकॉर्ड चेक किए, दोनों के फोन पिछले 3 दिनों से बंद है और लास्ट कॉल दोनों ने एक दूसरे को ही किया। कहीं अजय भी तो नहीं? मीता ने बताया था कि सोनाली की फैमिली उसके और अजय के रिश्ते को लेके बहुत खिलाफ थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन लोगों ने ही? सर पॉसिबल है, और मुझे लगता है कि ये मामला ऑनर की लिंक है, शादी से पहले ही दोनों को मार दिया हो। सर मैंने मैरिज कोर्ट में पता किया, 3 दिन पहले सोनाली मैरिज कोर्ट गई थी। अजय और सोनाली एक दूसरे से शादी करने वाले थे लेकिन अजय वहां पे पहुंचा ही नहीं। जय मैंने बोला था घर से टाइम से निकलो, पक्का लेट निकले होंगे, ऊपर से ये फोन भी आउट ऑफ रीच आ रहा है। सोनाली, अजय हाजिर हो? सोनाली सिंह, अजय वर्मा। हाँ आइए, आपका नंबर आया। सर एक्चुअली वो अभी तक आए नहीं है, थोड़ी देर वेट कर लीजिए ना प्लीज। ठीक है तो जल्दी कीजिए। इस समय उपभोक्ता का मोबाइल स्विच ऑफ है। हेलो अजय, कहाँ? मैं कब से वेट कर रही हूँ। तुम्हारा बॉयफ्रेंड अजय मेरे कब्जे में है। क्या? मैडम ये कितने बजे की बात होगी?
कुछ सुबह के 11 बजे सर उस टाइम दोनों के फोन एक्टिव थे और दोनों आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे। तब तो ये डेफिनेटली ऑन अ किलिंग का केस है। उमा, सोनाली ने कोर्ट में एड्रेस क्या दिखाया था? सर वही एड्रेस जहां हम गए थे। कुछ तो है जो हमारी समझ में नहीं आ रहा है। ये दोनों जहां पर काम करते थे वहां से सारी इंफॉर्मेशन निकालो, इनके बैंक डिटेल्स निकालो। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो ऐसे मालूम नहीं पड़ती लेकिन बैंक डिटेल से मालूम पड़ जाती है। ओके सर। चल मैडम, मैंने बता किया कि सोनाली और अजय घर कहाँ लेने वाले थे। उस बिल्डर ने बताया कि डाउन पेमेंट हाथ में आते ही वो घर का पोजीशन देने वाला था। तो क्या सोनाली ने डाउन पेमेंट दिया? नहीं मैम, यही बात तो बिल्डर को भी अजीब लगी। बिल्डर ने कहा कि सोनाली पैसे लेके आने वाली शादी के एक दिन पहले, लेकिन अजय ने कॉल किया और कहा कि वो अगले दिन पैसे लेके आएगा, यानी शादी वाले दिन, और कहा कि पहला दिन कुछ अशुभ था ऐसा कुछ। इसका मतलब सोनाली का प्लान था एक दिन पहले डाउन पेमेंट देना, दूसरे दिन शादी करना और शादी के तुरंत बाद गृह प्रवेश। यस मैम, बट पैसे तो आए नहीं, तो ना सोनाली आई और ना अजय। बिल्डर ने मुझे एक बात बताई मैम, उन दोनों ने एक होटल में रूम बुक किया था और वो होटल कोर्ट और नए घर दोनों के करीब में था। तुम जानते हो कहाँ है? यस मैम। चलो, मैनेजर ने क्या बताया, क्या हुआ था उस दिन? मैनेजर ने बताया कि उसने सोनाली को सुबह 10 बजे शादी के कपड़ों में होटल के बाहर जाते देखा और फिर लगभग 11:30 बजे सोनाली फिर होटल में आई रोते हुए और फिर अपना बैग लेकर 10 मिनट में वापस चली। कुछ पता है कहाँ गई थी? मैनेजर को लगा उसकी शादी टूट गई इसलिए रो रही होगी। मैंने फुटेज भी चेक की, मैनेजर बिल्कुल सच कह रहा है। अजय भी इसी होटल में रुका था ना? हाँ अजय भी था, लेकिन वो सुबह 8 बजे निकल गया। वो सुबह 8 बजे क्यों निकला था? मैं जा कमरे की तलाशी लो, शायद कुछ क्लू मिले। मैम मैडम, बैंक स्टेटमेंट। इस बैंक का स्टेटमेंट निकालो, अब इसी से कुछ पता चलेगा। यस मैम। यही है वो घर? यस सर, ये नीता मिश्रा का घर है, अजय की वाइफ। सर अजय पहले से ही शादीशुदा है। सर जैसे कि आपने कहा था, हमने बैंक से पता किया, अजय मिश्रा का एक जॉइंट अकाउंट था इनके साथ तकरीबन 1-1.5 साल पहले, और उस अकाउंट में एड्रेस यही का है। अब यही अजय और सोनाली की गुत्थी सुलझा सकती है। चलो सर, अजय ने मुझे डिवोर्स दे दिया था सोनाली की वजह से। पिछले 1 साल से वो उसके साथ लिविंग में रह रहे हैं। इस बात को लेकर आपको परेशानी बहुत हुई होगी, गुस्सा भी आया होगा। सर ये कैसी बात कर रहे हैं, आपकी बीवी किसी और के साथ चली जाए तो आपको परेशानी नहीं होगी क्या? आपको गुस्सा नहीं आएगा क्या? पर आप उसे मारेंगे नहीं, आई एम श्योर। मैं जानती हूँ आप ये सोच रहे होंगे कि सोनाली के मर्डर में मेरा हाथ है। सर मेरे 2-2 बच्चे हैं, सोनाली को मारकर मुझे जेल नहीं जाना है। किसके भरोसे छोड़ूंगी मैं अपने बच्चों को? अजय तो साल से एक बार भी अपने बच्चों से मिलने नहीं आए, पता नहीं क्या जादू कर रखा है सोनाली ने उनके ऊपर। एवरीथिंग इज परफेक्ट। कैसी लग रही हूं मैं अजय? तुम? हाँ मैं। अरे वाह, तुम्हारा घर तो बहुत अच्छा है। एंड बाय द वे तुम अच्छी लग रही हो। तुम्हें पता है ऐसा ही सेम ड्रेस ना अजय ने मुझे भी दिया था मेरी सगाई के बाद। क्या करने आई हो तुम यहां? अरे तुम्हें अजय ने कुछ नहीं सिखाया, एक तो तुम्हारी मेहमान हूँ, ऊपर से तुम्हारी सौतन हूँ, तुम्हारे अजय की पहली बीवी हूँ मैं, कुछ तो इज्जत मान करो। क्या करने आई हैं आप यहाँ? बताया तो मैं तो बस ये देखने आई थी कि तुम में ऐसा क्या है कि जो तुमने मुझसे मेरा पति उड़ा लिया। अरे वाह, वो अजय की फेवरेट
पनीर बिरयानी। अरे तुम तो बहुत अच्छे से जानती हो कि मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट से जाता है। तुम्हें पता है जब मैंने पनीर बिरयानी बनाई थी ना, तब से अजय को ना बहुत पसंद है। क्या चाहिए आपको? तुम दे नहीं पाओ। बोलिए क्या चाहिए आपको? मेरा पति। देखिए मैंने आपके पति को फंसा नहीं रखा है, वो खुद यहां पे मेरे पास चल के आए थे। और देखिए मेरा कोई इरादा नहीं है आपका घर तोड़ने का। वो खुद ही नहीं रहना चाहते आपके साथ, तो इसमें गलती आपकी हुई ना। आपको संभाल के रखना चाहिए था अपने पति को। सही कहा। अजय को जब कोई नई चीज मिल जाती है ना, तो इसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है उस चीज में। मैं कोई चीज नहीं हूं। अजय जैसे मर्दों के लिए हम सब बस एक ही चीज है, ये ड्रेस, ये खाना, ये सब कुछ अजय और मेरे रिश्तों की यादें हैं। और वो तुम्हें अपने पहले प्यार की उत्तरण दे रहा है, और तुम्हें ये उत्तरण बहुत बहुत मुबारक हो सुनाली। मैं भी देखती हूं कि वो तुमसे कितनी जल्दी बोर होता है। एंजॉय योर लंच, टेक केयर। तेरी स्कूटी की चाबी। तेरी स्कूटी ठीक करा दी है मैंने। थैंक्स। सर ये रंजीत जी हैं, हमारे पड़ोस में ही रहते हैं, बहुत हेल्प हो जाती है मुझे इनसे। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। मैं चलता हूं। अच्छा आपको सोनाली के घर वालों के बारे में कुछ पता है? क्योंकि हमें लगता है ये ऑना किलिंग का मामला है। मैम मैं सिर्फ उनसे एक दो बार मिली थी, मुलाकात कुछ अच्छी नहीं थी। आप तो समझ ही सकते होंगे ना मैम, उसके अलावा मुझे और कुछ नहीं पता है। कहीं आपको ये तो नहीं लगता कि अजय ने ही सोनाली को धोखा दिया है? सर जो अपने दोनों बच्चों को धोखा दे सकता है, वो सोनाली को भी धोखा दे ही सकता है ना। सर मैं बस इतना जानती हूँ कि अजय को सिर्फ एक ही चीज से प्यार था, पैसे कमाने से। उस चक्कर में फिर वो काम गलत हो या सही वो कर लेते थे। सर लखनऊ पुलिस से मैंने बात की है, सोनाली के घर वालों की सॉलिड अलिबी। और जिस टाइम सोनाली का मर्डर हुआ था, उस टाइम उसके सारे घर वाले किसी रिश्तेदार के गृह प्रवेश की पूजा में थे। मैंने सीसीटीवी फुटेज भी चेक की। सोनाली कोर्ट से एक ऑटो में निकली थी, उस ऑटो वाले को ढूंढने की मैं फुल कोशिश कर रहा हूँ। सर मैंने सोनाली के बैंक से इन्फॉर्मेशन निकाली है, वो एक फ्रीलांस कंटेंट राइटर थी, और अजय ने अपना जॉब छोड़कर रियल स्टेट का बिजनेस शुरू किया था। इन दोनों ने जॉइंट में होम लोन के लिए अप्लाई कर रखा था, और सोनाली के कलीग से पता चला है कि वो अपने होम लोन के डाउन पेमेंट के पैसे के जुगाड़ में थी। और अजय की वाइफ का कहना है कि अजय पैसे का लालची इंसान है और पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि डाउन पेमेंट के चक्कर में उसने किसी गलत लोगों से पंगा ले लिया हो? मत में एक काम करो, ट्रेस करो सोनाली के स्टेप्स, पता करो कि कोर्ट के बाद वो कहां गई थी और उस दिन क्या हुआ था। अजय को उस दिन किस किस के कॉल आए थे ये भी पता करो। अजय की पहली बीवी के हिसाब से अजय एक लालची इंसान था ना, वो अच्छा पति था और ना ही अच्छा पिता। पर उसका ये बोलना उसके लिए जायज है, क्योंकि कोई भी औरत उस पति के लिए कभी अच्छा नहीं बोल सकती जो उससे और उसके बच्चे को किसी दूसरी औरत के लिए छोड़ दे। लेकिन ऐसे में काम आती है पुलिस की होशियारी। पुलिस का काम है हर बयान और सबूतों को अच्छे से जांचना और परखना। पुलिस किसी भी अच्छे या बुरे बयान से प्रभावित होकर केस की दिशा को नहीं मोड़ती और ना ही किसी बयान को नजरअंदाज करती है। और शायद हम आम इंसानों को भी यही सिद्धांत अपनाने चाहिए अपनी जिंदगी में। हर बात को सुने, देखे, परखे, फिर नतीजे पर पहुंचे।
क्योंकि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी हर इंसान का हक है। ये रही मेरी रानी, जीत गया मैं। आज मेरा दिन ही अच्छा है। बाबा की चलो दूसरे पत्ते बांटो। हेलो मैडम, बिरजू मेरे आंखों के सामने है। उठा के लाओ उसे यहाँ। ओके। ये तीन प्यारे बिरजू, बहुत पैसा आ गया तेरे पास। सब मैंने कुछ नहीं किया। सब सब ए बिरजू रुक। अरे सब 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 तेरी बात सुनो। देखो मैंने कुछ नहीं किया। पकड़ा पकड़ी। चल लो, हम खेलेंगे मुक्का मुकाई। साहब मैंने कुछ नहीं किया। साहब आप जब कुछ किया नहीं तो भाग क्यों रहा था? साहब डर लग रहा था मेरे को। आप पहले कांड किया था, अभी किसी ने पूछा, बिल्कुल सुधार गया मैं। साहब मेरी बात सुनो। देखो आप किसी पूछ लो। पहले कांड किया है ना। अच्छा अरे साहब पहले का छोड़ो ना। तो बोलेगा कि मैं तुझसे बुलवाऊं। मैडम आपने बिना बात के मेरे को उठा के लेके आए। मैंने कुछ नहीं किया। आप हरासमेंट कर रहे हो मेरे साथ। सर आप तो इसे जानते होंगे, झोलर नंबर वन बिरजू सेठ। कैसा है बिरजू? मैंने सुना तेरा प्रमोशन हो गया, झोल से मर्डर पे आ गया तू। मर्डर? अरे साहब मैंने कुछ नहीं किया। ये मैडम मेरे को फालतू में तंग कर रही है। मैंने कहा इससे। साहब क्यों गरीब आदमी के दुश्मन बने हुए हो? साहब तेरे जैसा गरीब ना भगवान सबको बनाए। देख किसी भी तरह का ड्रामा नहीं चाहिए मुझे, याद रखना। तेरा नंबर सोनाली और अजय के कॉल रिकॉर्ड में कैसे आया और उनके शादी के दिन तूने उनको कॉल क्यों किया? बोल। किसी भी तरह की एक्टिंग नहीं चाहिए मुझे, याद रखना। तेरा ये झोल का मामला नहीं, मर्डर का केस है, याद रखना। साहब आप यकीन मानिए मेरा किसी मर्डर में कोई हाथ नहीं। मैंने तो उस लड़की को आज तक देखा भी नहीं है साहब। हाँ मैंने अजय के कहने पे एक दो बार कॉल जरूर किया था। वो अजय मेरा दोस्त है, हम लोग साथ में कॉलेज में पढ़ते थे। वो ना बहुत बड़ा झोलर है साहब, बस पढ़ा लिखा है ना, दिमाग बहुत तेज है उसका। उसने मुझसे कहा कि एक लड़की ने उसके पैसे हड़प लिए और वो उससे पैसे निकलवाना चाहता है, मुझसे हेल्प मांगी। पर मैंने सिर्फ उसकी हेल्प करने के लिए एक दो कॉल कर दिए। हेलो सोनाली, तुम्हारा बॉयफ्रेंड अजय मेरे कब्जे में है। उसने मुझसे 2,00,000 रुपए लिए थे लेकिन अभी तक चुकाए नहीं। और अगर अपने बॉयफ्रेंड को जिंदा देखना चाहती है ना, तो हाईवे के पास वाले सर्विस रोड पे आज रात को 2,00,000 रुपए लेके पहुंच जाना। और हाँ, अगर कोई होशियारी करने की कोशिश की ना, तो तेरा बॉयफ्रेंड तो जाएगा ही, साथ में तू भी मरेगी, समझी? सर इसीलिए सोनाली उस दिन कोर्ट में रो रही थी, क्योंकि इसने कॉल किया था। तो तूने उसे डाउन पेमेंट के लिए पैसा नहीं दिया था? मैंने नहीं साहब, अजय ने मुझे पैसे दिए थे अपना मुंह बंद रखने के लिए। मुंह बंद रखने के लिए है? और तूने सब कुछ बक दिया? सर मर्डर का मामला, डर तो हर किसी को लगता है ना। डर लगता है? ये डर सबको लगना चाहिए, याद रखना। सर्विस रोड पर सोनाली मिली थी क्या? मुझे नहीं पता साहब, मैंने सिर्फ कॉल किया था, उसके बाद से आज निकल गया वहां से। अपनी गाड़ी में? नहीं भाड़े की गाड़ी में। मैं काम करो सर, इस गाड़ी का नंबर पता करो। सर्विस रोड के आसपास जितने भी CCTV हैं, सबका फुटेज निकालो। सर 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 ये देखिए सर, सोनाली यहां गई थी और देखिए इसे लेने कौन आया था। इस ड्राइवर को आप ध्यान से देखिए। ये मामला कुछ और ही लगता है। चलो
जाओ उसमें। मैं ये सोच रहा हूँ कि अजय ने अगर सोनाली को यहाँ से अकेले पिकअप किया होगा तो सोनाली आगे की सीट पे बैठी होगी। फर्ज करो मैं अजय हूँ और तुम सोनाली। यस सर। आगे की सीट पे हो। उमा फर्ज करो कि मैं अजय ड्राइविंग सीट पे बैठा हूँ और ये सोनाली यहाँ पर बैठी है। यस सर। लेकिन सर सोनाली अजय को देखते ही सारा माजरा समझ जाती है, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि अजय गाड़ी चला रहा था, मेरे ख्याल से कोई और था। सर पॉसिबल है कि अजय पीछे की सीट पर छुपकर बैठा हो। लेकिन सोनाली की मौत गाड़ी के अंदर ही हुई है 100%। कैसे पता सर? ये देखो, ये रास्ता जो सीधे उस जगह पर जाता है जहां पर सोनाली की लाश मिली। सर अगर सोनाली की मौत गाड़ी में हुई है फिर तो पक्का दो लोग, क्योंकि एक आदमी ड्राइव करते करते किसी को मार नहीं सकता। सोनाली की मौत किसी चौड़े मोटे पट्टे से गला घोट के की गई, यहाँ पर उसके निशान देखा। और उसने सोनाली की जान ली, कौन इंसान था ये पता करना पड़ेगा। फुटेज आई? नो सर, दो तीन घंटे में आ जाएगी। पक्का? यस सर। क्योंकि जब तक फुटेज नहीं आ जाती हमको असली माजरा मालूम नहीं पड़ेगा। अरे नीता जल्दी करो, देर हो रही है। हाँ हाँ आ रही हूँ। चलो बच्चों को भी कनाडा बुला लेंगे। हाँ मेरी जान, तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, इसीलिए तुम्हें इन बुरी यादों से दूर ले जा रहा हूं। देखो पहले हम कनाडा में सेटल हो जाते हैं, बच्चे तो यहाँ नाना नानी के पास सुरक्षित है, फिर हम उन्हें वहां बुला लेंगे। अब जल्दी करो वरना फ्लाइट मिस हो जाएगी। सच बता, तूने ही सोनाली का मर्डर किया है ना? सच सच बता दे वरना यही जिंदा काट देने की चाहिए सकता। बताता हूँ सर, बताता हूँ सब कुछ, सच सच बताता हूँ। हाँ मैंने ही सोनाली को मारा है। अरे उससे अफेयर करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अच्छी खासी जॉब थी मेरे पास, वहीं पे मिली थी वो मुझे, उसके चक्कर में मैंने अपनी बीवी नीता और दोनों बच्चों को छोड़ दिया। मैंने सोचा कि यंग लड़की है, प्रिटी है, सिंगल है, उसके साथ लिव इन में रहूंगा, मजे करेंगे बिना किसी बंधन के। लेकिन उसके बाद वो पोसेसिव हो गई सर, पागल सी हो गई, शादी के लिए प्रेशराइज करने लगी। उस स्ट्रेस में मुझे नीता को डिवोर्स देना पड़ा और मेरी जॉब भी छूट गई सर। तेरी जॉब छूटी क्योंकि तूने पैसे खाए थे? हर बात में दूसरे को दोष देना बंद कर। सोनाली जब किट किट करने लगी तो अचानक तुझे अपनी बीवी की याद आ गई ना? हाँ सर, सोनाली बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग थी, मेरे सारे पैसे निकलवा लिए उस घर की डाउन पेमेंट के लिए। मुझे पता था सर कि अगर मेरी सोनाली से शादी हो गई ना तो वो मेरी जिंदगी झंड बना देगी, इसीलिए मैंने
खुद की किडनैपिंग प्लान करवाई बिरजू को फोन करा के। हाँ सर, फिर मैं रंजीत बनके हाईवे के पास सोनाली को पिकअप करने चला गया। गाड़ी में बैठो, सब समझाता हूँ। तुम पहले ये बताओ अजय कहाँ है। गाड़ी में बैठो। बैठो, चलो। पहले बताओ मेरे पति। बैठ। चुपचाप बैठी रहो वरना। अजय मेरे पास वापस आए तो मैं उन्हें वापस से खोना नहीं चाहती थी। मेरे बच्चों को उनका बाप वापस मिल गया था, मेरा परिवार पूरा हो गया था। अजय ने कहा था कि हम ये सब करके कनाडा वापस चले जाएंगे, फिर पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। सोनाली को रास्ते से हटाने का एक ही तरीका था, वापस से मेरा घर बसाने का। बसेगा मैडम, आपका घर बसेगा, दोनों का घर बसेगा, लेकिन कहीं और नहीं, अवलाद में। इंसान भी बड़ा अजीब आदमी है। वैसे तो हम 2 रुपए की चीटिंग के लिए ऑटो वाले, सब्जी वाले से लड़ लेते हैं, और जब कोई अपना कुछ गलत करे तो उतनी ही आसानी से उसे माफ भी कर देते हैं। और कुछ ऐसा ही हुआ नीता के साथ। अजय पैसों का लालची था, अजय ने उसे धोखा दिया, अपने खुद के बच्चों को छोड़ दिया एक जवान लड़की के हवस में। और जब अजय उस लड़की को भी धोखा देने पर उतारू हो गया तो नीता ने ना केवल उसे माफ किया बल्कि अपना घर बसाने के लिए उसने एक हत्या भी कर दी। नीता अपने बच्चों को अपने पिता से वापस मिलाना चाहती थी, लेकिन अजय के स्वार्थ ने उन बच्चों से उनकी मां भी छीन ली। दोस्तों, अगर इस पूरे वाक्य पर गौर करें तो हर किसी ने गलत इंसान पर भरोसा किया, हर इंसान ने किसी और के भरोसे को तोड़ा, और नतीजा एक हत्या, 2 उम्र कैद और 2 अनाथ बच्चे। इसीलिए तो कहते ना कि विश्वास एक बहुत बड़ी पूंजी है जिसे कमाने में सालों लगते हैं और गंवाने में 2 मिनट भी नहीं लगते। अपने विश्वास को हमें हर किसी को नहीं सौंपना चाहिए, यही सीख देती है हमें आज की ये कहानी। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा पुलिस की कार्यकुशलता को दर्शाती और हर जुर्म से आपको अलर्ट कराती एक नई कहानी के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ
आवाज। सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।